नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हो लाजवाल न्यूज के साथ। हम पहुंचे हैं इस समय किला दराल में, जहां पे काफ़ी देर से स्ट्राइक चल रही है और इन लोगों का एक डिमांड है कि इन लोगों ने काफ़ी देर से डिमांड रखी थी कि हमारा जो स्कूल है हाई सेकेंडरी स्कूल है वो हाई सेकेंडरी बनना चाहिए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड नहीं पूरी हुई। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोकल लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, नाम क्या है आपका और इस पीछे? मैं परमजीत सिंह, सरपंच किला दराल, और जो तहसील डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है यहाँ किला दराल की, उसका प्रेसिडेंट होने के नाते ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि किला दराल पुराना स्कूल है। हमारे स्कूल ने फिजिबिलिटी क्लियर की हुई है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है, असेंबली के अंदर सवाल पूछा हुआ तो जवाब में कहा गया कि किला दराल ने फिजिबिलिटी फुल फाइल की हुई है। जब लिस्ट के अंदर सीनियरिटी नंबर 1 पे लड़ोका कहीं था ही नहीं सीनियरिटी में, वो दूसरा चन्नी पराठ कहीं था ही नहीं किसी सीनियरिटी में, उसको भी फीडिंग स्कूल नहीं है, तो लड़ोका को कोई फीडिंग स्कूल नहीं है। किला दराल को 5 हाई स्कूल फीडिंग थे और इस ये फिजिबिलिटी भी क्लियर करता है, सब कुछ है। आश्वासन बार बार दिए जाते रहे कि आपको हायर सेकेंडरी दे दिया जाएगा। ये सिख मनोटी एरिया है पूरा, ये तहसील हेडक्वार्टर है, और सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि तहसील हेडक्वार्टर पे हायर सेकेंडरी नहीं है और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे हायर सेकेंडरी दे रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ 6 बच्चे पास हुए हैं, हमारे 20 बच्चे पास हुए हैं, तो जहाँ पे 4-5 हाई स्कूलों के बच्चे मिला करके यहाँ 200 स्ट्रेंथ बनती थी, वहाँ पे 58 लोगों की अपॉइंटमेंट कर दी गई है और 58 लोगों के अंदर 30 बच्चों को 58 लोग पढ़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि लड़ोका को केरल का स्टूडेंट रहा, अंदरूड का जो सरपंच है किला दराल का स्टूडेंट रहा है, रायपुर भाटा का जो सरपंच है मियाँ खान वो किला दराल का